नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिनांक 24 दिसंबर 2020 को लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा पार्टी कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर प्रखर विद्वान राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय इंजीनियर रामनयन शर्मा जी का प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प एवं माल्य अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्लट विश्वकर्मा एवं संचालन गणेश गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न चौहान ने अपने वक्तव्य में बताया कि स्वर्गीय रामनयन शर्मा जी कर्मठ एवं ईमानदार साथ साथ निष्ठावान विचारों के धनी थे। आज के इस युग में व्यक्तित्व का मिलना नामुमकिन है। कार्यक्रम के आयोजक का संयोजक प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने स्वर्गीय इंजीनियर साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा के पोशाक दृढ़ प्रतिज्ञ अटूटवर्ती महान त्यागी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इनका जन्म ग्राम दुबहरन थाना कंदरापुर तहसील सगड़ी आजमगढ़ में परम सात्विक कुलीन परिवार में 30 जनवरी 1938 को हुआ था। पिता का नाम चंद्रमणि विश्वकर्मा। इनके द्वारा अनेक ग्रंथों का विचरण करते हुए हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध जैन सिख ईसाई मुस्लिम पारसी यहूदी ताऊ कन्फ्यूशियस आदि विश्व के प्रमुख धर्मों के अध्ययन में डूबकर और विश्व धर्म परिचयात्मक नामक ग्रंथों के लेखन से विश्व के समूह मूल सिद्धांत प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता थी। इनकी रचित और लिखित अंगद रामायण संवाद गीता अमूल धरोहर भगवान विश्वकर्मा नामक शोध ग्रंथ भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर में सराई गई। अनेकों संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं अन्य विभूतियों से इनको सम्मानित किया गया। अपने कर्तव्य निष्ठा के चलते करोड़ों लोगों के बीच में आज भी जीवंत हैं। आगे क्या कुछ कहा शिवमोहन शिल्पकार ने, देखे हमारे इस रिपोर्ट में। शिव मोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा पिछड़ा वर्ग। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज हमारे प्रख्यात विद्वान राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत अनेक विभूतियों से सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय इंजीनियर रामनयन शर्मा जी का प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और इसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ उनके उद्देश्यों को, उनके कार्यों को जगह जगह चर्चित करते हुए उनके विचारधाराओं को अपने समाज में प्रभावित के साथ साथ अन्य जगहों पे प्रभावित कर रहे हैं और समाज को जोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। समाज के बिखरे हुए लोगों को एक माले में पिरोने का काम किया जा रहा है। हमारे इंजीनियर साहब का सदैव यही इच्छा रही कि हम लोग एकजुटता का परिचय दें, पाखंड से परे रहें। इनके द्वारा अनेक ग्रंथों, अनेक प्रकार के सभी धर्मों का अध्ययन किया गया, उसको करके समाज को एक नई स्थिति देने के लिए विश्वकर्मा ग्रंथ का इन्होंने लेखन किया जो विश्व में पूरा विश्वव्यापी है और हमेशा अपने ईमानदारी और नियत नीति के साथ सुथरे छवि के व्यक्तित्व के धनी थे। और हम लोग आज ये संकल्प लेते हैं कि स्वर्गीय इंजीनियर रामनयन शर्मा के प्रथम पुण्यतिथि पर और आने वाली दूसरी पुण्यतिथि पे विशाल कार्यक्रम करेंगे, समाज में एक माले में पिरोने का काम करेंगे। जैसे ठठेरा, कसेरा, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, प्रजापति, शिल्पी, पत्थरकट, नाई आदि जातियों के साथ साथ अन्य समाज में जो अपने लोग बिखरे हुए हैं सबको जोड़कर एकता का परिचय करेंगे, एक करेंगे, समाज में समतामूलक स्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।